विजय देवरकोंडा ने तोड़ी चुप्पी, रश्मिका मंदाना के साथ सगाई की खबरों को बताया अफवाह। विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना के साथ अपनी सगाई की खबरों को महज एक अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि वो ना तो सगाई कर रहे हैं और ना ही जल्दी शादी करेंगे। कुछ दिनों से तेलुगु सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरें चर्चा में है। रूमर्स की माने तो विजय और रश्मिका फरवरी के दूसरे वीक में सगाई कर सकते थे। ऐसे में विजय देवरकोंडा ने अब इन अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं फरवरी में सगाई या शादी नहीं कर रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे मीडिया वाले हर दो साल में मेरी शादी कराना चाहते हैं। मैं ये अफवाह हर साल सुनता हूं। वो बस मुझे पकड़ने और मेरी शादी कराने के इंतजार में घूम रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म गीता गोविंदम में विजय और रश्मिका को साथ देखा गया था। इसके बाद दोनों साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म डियर कॉमरेड में नजर आए। इस फिल्म में विजय और रश्मिका की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी। फिल्मों के सेट से खबरें थी कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। हालांकि दोनों ही एक्टर्स ने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की है, लेकिन इन अफवाहों ने तब और जोर पकड़ लिया जब दिवाली के खास मौके पर विजय देवरकोंडा ने अपने घर में पार्टी रखी थी और इसमें रश्मिका मंदाना पहुंची थी। तस्वीरें सामने आने के बाद से ही दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं रश्मिका मंदाना कुछ दिनों पहले एयरपोर्ट में विजय देवरकोंडा की हुडी पहने हुए नजर आई। इसके बाद से इस अफवाह ने और जोर पकड़ लिया क्योंकि विजय और रश्मिका की फोटोज वायरल हो गई थी एक जैसी हुडी पहने हुए। वहीं रश्मिका मंदाना इन दिनों ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल को लेकर चर्चा में है। फिल्म में उनका लीड रोल था। आने वाले दिनों में रश्मिका के पास 3 तेलुगु और 1 हिंदी फिल्म है। वो पुष्पा 2, द रूल, रेनबो एंड द गर्लफ्रेंड के साथ हिंदी फिल्म छावा में भी नजर आएंगी। वहीं विजय देवरकोंडा की बात करें तो वो साउथ फिल्म फैमिली स्टार और VD16 का हिस्सा है। हालांकि फिल्म लाइकर से इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही।